अरे तो हम जब जीते रहन आज ही बात आई का हमारे दिल के अंदर एक पीड़ा है जो लोग समाज का भाड़े कोशिश करत है। वो जयसपुर गांव में दो ही जगह केवल कटत रहा है। दिनेश यादव जीत गए तो 14 जगह का इलाज तो गए उनका दिनेश यादव शुरू करवा दिए। अरे आप समुदाय ने मुद्दा के एजेंडा पर राजनीति करो, आप ईमानदारी के राजनीति करो, आप समुदाय का जोड़े के राजनीति करो, आप तुच्छता की राजनीति करो, आप जो है आज हम लोग पीड़ित समुदाय है मधेसी आदिवासी फिर से आप तोड़ के धर्म के नाम पर तोड़ के फिर से गुलाम बनावा के प्रवृत्ति अपनावा चाहते हो, गुलाम बनावा चाहते हो, जवाब दे है तुमका ही कहे जवाब अवश्य मिली जो तुम फाड़े के प्रयास करो तो बिल्कुल ही एक कैसी स्थिति का प्रवेश कर चुका है। आज इस देश का लोग जात के नाम पर नहीं रहना है, पंथ के नाम पर नहीं रहना है। आपसे हमारा आग्रह है कि हम तो और पहाड़ी भी चाहिए, हिमालय के भी चाहिए, मधेसी की भी चाहिए, सिख के भी चाहिए, मुस्लिम के भी चाहिए, ईसाई के भी चाहिए। हम लोग हमारे लोगों के पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, धार्मिक आस्था में विश्वास रखता है और धार्मिक मूल्य मान्यता के स्वतंत्रता पर विश्वास रखता है। वो बाम गठबंधन न हो कि उम्मा मूल एजेंडा लगा है कि धर्म एक अफीम है, इसका मानने वाला अफीम ची है और इसका माने से देश जो है सबसे ज्यादा बर्बाद होते विकास नहीं कैसे करते हैं। उनके एजेंडा लोग जो पढ़े लिखे हैं पढ़ ले उनके बाद माँ अरे इस त्याग रही का वोट दे हो तो इस त्याग रही के पार्टी न हो, पार्टी के एजेंडा है तो देश का दे वोट तो इस पार्टी के एजेंडा है, आप समान पार्टी का दे हो तो पार्टी के एजेंडा है। जौन उपेंद्र यादव अशोक राय युवराज कार की हमारे पार्टी के जो निर्देशन दे है जो कमेटी निर्देशन दे है वो हम करवाए और उम्मीदवार जिका निर्देशन के पाओली कमल थापा और शेर बहादुर जउआ जो निर्देशन दे है तब निर्देशन पालना करिए हिया हम सबका बेकूफ बनावे के काम। आप लोग आवागा आज कदम से कदम मिलाए कि हम लोगों के कार्यक्रम में सहभागी हुआ का हम हृदय से आपका धन्यवाद क्या चाहिए अपने तरफ से अपनी टीम के तरफ से और संपूर्ण सहभागी के तरफ से पार्टी के तरफ से। आज ये प्रदर्शित होगा कि फोरम नेपाल वो केवल मधेसी की पार्टी न हो, फोरम नेपाल समग्र नेपाल की पार्टी हो, फोरम नेपाल ये देश के एक नया शक्ति के रूप में उभर के आवा है। फोरम नेपाल आज ही रैली से प्रदर्शित हुआ है, आज से आग्रह है कि आप हमका उम्मीदवार न मानो, आप चूड़ा जी का बेबी तो वसूल कर राजेंद्र जी का और मिया साहब का उम्मीदवार न मानो, दुर्गेश जी का उम्मीदवार न मानो, आप सब उम्मीदवार हो कायद के हमारे उम्मीदवार जो धर्म के नाम पर फटाही करते हैं, जो आपसी सद्भाव का बिगाड़ा चाहते हैं उनके विरुद्ध में हमारे लोगों के उम्मीदवार इस देश के अंदर समानता की उम्मीदवार, इस देश के अंदर अधिकार की उम्मीदवार है, देश के अंदर प्रतिनिधित्व पावर की उम्मीदवार है। इसके वजह से हमारा आपसे आग्रह है कि आप सब उम्मीदवार बन जाओ, डोर टू डोर कैंपेन करो, ना तो जीवन अब ना तो कभू ना है गुलाम रहन गुलाम हन और गुलाम रहन। ऐसे लोग लगे हुए हैं जो अपने आप का कौन अलग गठबंधन बता के लोगों का कम्युनिस्ट के गुलाम बनावा चाहते हैं, लोगन का केपावली के गुलाम बनावा चाहते हैं, जो हम लोगन का माखे सांग लोग कहा रहा है, हम लोगन का जब गोली चलत रहा है तो पका आम कहा जात रहा है, यौटा बगीचा बाटा यौटा डूटा पके को आम झरदा के ही पर। अरे स्मरण करो उस चीज को आप लोग पहले वोट देने थे कि केपावली के पार्टी हम लोगन का नेपाली नहीं मानी, हम लोगन का यह के धरती पत्र नहीं मानी, धिक्कार है जो आप लोगों का वोट दिया जाए या उनके प्रचार किया जाए। कि अपने जमीर का एक बार जिंदा करो, आप अपने स्वाभिमान का जिंदा करो एक बार, कि काल जो माई जो महतारी अपने बच्चे के तड़पत लाश देखी से उसका कम से कम याद कर चुके बदौलत आपका आज संविधान के दो ही पन्ना में संशोधन के जरिए अधिकार मिला है, याद कर लो जी के मांग सुनी है
क्रिकेट कॉक सुनी आज दिन याद करे क्या हो सकता आएगा है, उस समय याद करे क्या हो सकता आएगा है। आप लोगों का कसम है अपने जमीर के, अपने खुददारी के, कि आप लोग मतदान अब समानता के पक्ष में, मतदान अब सहिष्णुता के पक्ष में, मतदान अब विकास के पक्ष में, मतदान अब। अरे आज लोग मुद्दा बतावत, अरे कहते हैं हम तो नेपालगंज का सोने के नगरी बना देवे, ये सुन चिड़ैया आई है सोने का अंडा दे है सबका एक। अरे नेपाल के अपना बजट ही नहीं है, जत्ता हिया के उम्मीदवार घोषणा के नहीं जत्ता तोड़ना देगा। अरे आप जनता का बेखोब न बनाओ, अरे ईमानदारी के राजनीति सिखाओ, जनता का आप सिखाओ कि बेरोजगारी दूर करवाए, जो यहाँ विदेशी हम लोग इनके जागीर का कब्जा करके बैठे हैं, स्वाभिमान है आपके अंदर तो लखेल के दिखाओ रखे। 25 लाख गैर नागरिक नेपाल के अंदर रोजगार करता हूँ, श्रम मंत्री राणा के पास डाका मंत्री, हिम्मत है हमारे कांग्रेस के पास मां, हिम्मत है लोकतांत्रिक गठबंधन और वाम गठबंधन के पास मां, तो 25 लाख गैर नेपाली नागरिक का जो अवैध रूप से कामदार है उनका बना के देखो। हमारे ये युवा साथी लोग सब पंडित जी में जाए के हुआ सऊदी में कमा और यहाँ हमारा तुम्हारा रोजगार, SBI बैंक, हिमालय बैंक, बाबू साहेब इंडिया से आवाज़ दसा। हमारे तुम्हारे लड़के नहीं है, UNDP में 7 अरब बजट आवत है, अमेरिका से कच्चा 7 अरब डॉलर, और रॉबर्ट पाइपर हुए चले आवत है 1 करोड़ महीने तनख्वाह खाते, 7 अरब में डॉलर में 5 अरब डॉलर फिर अमेरिका चला जाता है तनख्वाह के बदौलत, 2 अरब गेट खोले वाले का, पानी सींचे वाले का, गाड़ी सफा करे वाले का केवल दही के यहाँ बदली कहा जाते है, और लगानी अरे अमेरिका की लगानी आवाज 7 अरब। तो ये खोखलो राष्ट्रीयता के नारा बंद, ये गद्दारी और दोगला बना बंद हो गया, यहाँ के नेपाली लोगन का, यहाँ के युवा लोगन का रोजगार हो गया। हमार प्रतिबद्धता है नेपालगंज के लिए कि आज का आता है जब नेपालगंज नगरी के चुनाव होता रहा है, लाता ही का तो कौन सिटी आधुनिक स्मार्ट सिटी इका तो इमर बनाई जा रही कि गाड़ी जमीन में न चली साला छत के ऊंचे चले। अरे आज बेचारे के चिकन छत पर छत रहा है, बहुत छतों गिराई दिया का हो। गैया रोज मौका था है, गधावा रोज छोका था, दूसरों मरा था, चाकू के बोर्ड टूटा था, वो कहीं तरह नहीं बंद कचरा पड़ा है।